जय भीम। साथियों, आपने ये व्यू देखा, ये व्यू हमारे देश की नई सबसे बड़ी पंचायत, जिनको आप तमाम लोग संसद भवन और इंग्लिश में पार्लियामेंट हाउस के नाम से जानते हैं। साथियों, इस नई संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस का हमारे देश के सबसे झूठे और भ्रष्ट प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी आने वाली 28 मई को एक खास मौके पर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्या है वो खास मौका? वो खास मौका है कि 28 मई को माफी वीर की जन्म जयंती है, जिनको आप दूसरा नाम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। साथियों, वीर सावरकर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। साथियों, मेरा सवाल है इस देश में रहने वाली तमाम जनता से, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, साथियों आप जवाब जरूर दीजिएगा, क्या इस देश में भारत के संविधान के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना कर पाना कहीं से भी मुमकिन लगता है? और लोकतंत्र के बिना किसी भी न्यायिक व्यवस्था का होना मुमकिन लगता है? और न्यायिक व्यवस्था के बिना क्या संसद भवन स्थापित हो सकता है? तो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हालांकि कुछ मूर्ख भी यहां वीडियो देख रहे होंगे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो यही कहेंगे कि हाँ, संविधान के बिना लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के बिना न्यायिक व्यवस्था नहीं है, और न्यायिक व्यवस्था के बिना तो संसद भवन का कोई औचित्य ही नहीं बनता। ये वही पार्लियामेंट हाउस है जिसकी ओर बाबा साहेब अंबेडकर इशारा करके कहते थे कि मेरे समाज के बच्चों, आपको इस देश का शासक बनना है, और इशारा करते थे उंगलियों से, जो उनकी अधिकतर प्रतिमाओं में आपको देखने को मिलेगा। ये वही भवन है जिसके अंदर बैठ के आपके पक्ष में और आपके विपक्ष में अधिकार सुनिश्चित होते हैं। साथियों, वो संविधान किसने लिखा जिससे ये सारी चीजें बन के आई? वो संविधान लिखा भारत देश के करोड़ों शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाओं के मुक्तिदाता, अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले विदेश जाकर प्रथम भारतीय, 32 डिग्री धारक पूरे विश्व में सबसे पहले, भारत देश के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न, उनकी तारीफ में जितनी बातें गा उतनी कम पड़ जाएंगी, हमारे रहबर, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश को सबसे बड़ा, पूरे विश्व में से सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया। अपनी दिन रात की मेहनत से बाबा साहेब अंबेडकर ने वो संविधान दिया। उसी बाबा साहेब अंबेडकर के दिए संविधान की वजह से लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र की वजह से न्यायिक व्यवस्था स्थापित हुई, और उसी न्यायिक व्यवस्था के चलते आज तमाम तरह की चीजों का शिलान्यास किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, सदन बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं? मेरा सवाल है इस देश के सबसे झूठे और भ्रष्ट प्रधानमंत्री से, जो बाबा साहेब अंबेडकर का अनुयायी होने का सबसे बड़ा दावा करते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर की तारीफों में पुल बांध देते हैं कि अगर बाबा साहेब अंबेडकर नहीं होते तो एक चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, लेकिन जब उनको सम्मान देने की बात होती है, क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसका आप उद्घाटन करने वाले 28 मई को, क्या बाबा साहेब अंबेडकर के बिना उसकी परिकल्पना कर पाना भी मुमकिन था? साथियों, एक पुराना संसद भवन है, ये वो पुराना संसद भवन है जिसमें आपको बाबा साहेब अंबेडकर की यह प्रतिमा दिख रही है। बाबा साहेब अंबेडकर की यह प्रतिमा संसद भवन के अंदर लगना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश में लोकतंत्र के लिए, और ये बात बाबा साहेब अंबेडकर ने कही कि मैंने संविधान में इस देश में तमाम लोगों को वो अधिकार दिए कि जो वोट की वैल्यू एक राजा की होगी, वही वोट की वैल्यू एक निचले तबके की भी होगी, और अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो पैदा होगा तो वैलेट से पैदा होगा, लोकतंत्र से पैदा होगा, राजतंत्र नहीं चलेगा, लोकतंत्र चलेगा। उस लोकतंत्र की नींव रखने वाले मसीहा की प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर ना होना क्या बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं है? मैं इस देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, यहां पे कुछ मूर्ख लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे जिन्हें सिर्फ हमारा विरोध करना है, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, क्या बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पार्लियामेंट हाउस के अंदर नहीं लगनी चाहिए? क्या इस देश में लोकतंत्र की नींव रखने वाले व्यक्ति की प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर नहीं लगनी चाहिए? आप तमाम लोग ट्विटर, फेसबुक और तमाम जगह पोस्ट कीजिए और सवाल कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी से कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई। लोकसभा अध्यक्ष से सवाल कीजिए कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई, क्यों? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सवाल करने से क्या होगा। यार, जिस समाज के नेता आपस में बिखरे हुए हों, समाज के लोग सिर्फ सवाल ही तो कर सकते हैं।
कुछ आलोचक भी ऐसे होते हैं कि नेता कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं करने देते हैं। तो यार अब सवाल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जिस समाज में हम पैदा हुए हैं उस समाज में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन वर्तमान समय में तो जिस चीज से सवाल उठते हैं वो सारी चीज शांति पड़ी है। क्या कोई भी इक्का दुक्का व्यक्ति बाबा से अम्बेडकर की प्रतिमा को वहां स्थापित करवा सकता है देश की सबसे बड़ी पंचायत में? नहीं करवा सकता है। अगर बाबा से अम्बेडकर की प्रतिमा पार्लियामेंट हाउस के अंदर लगवानी है तो पूरे बहुजन समाज को, और उसके बाद जो लोग बाबा से अम्बेडकर में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं उन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा कि जब तक पार्लियामेंट हाउस के अंदर बाबा से अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगेगी हम लोग नए संसद भवन के अंदर सदन को नहीं लगने देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।